नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर सिंह और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल टेक्निकल जस्सी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड की। ई श्रम कार्ड जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जाता है और ये सीएससी सेंटर से भी बनता है, सेल्फ की सर्विस भी यहाँ गवर्नमेंट ने हमें दी हुई है। तो आज हम मोबाइल के द्वारा ई श्रम कार्ड को बनाएंगे। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जानकारी यहाँ देने वाला हूँ। तो सेल्फ और मोबाइल के द्वारा कैसे ई श्रम कार्ड बनाएं, इसके बारे में पूरी डिटेल से मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में। जाने के बाद हम जाएंगे इसके होम पेज में। जाने के बाद यहाँ सर्च बार आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ सर्च बार हमें दिखाई दे रहा है। ये सर्च बार के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड जैसे ही हम टाइप करते हैं तो ये पहला ही ऑप्शन है ई श्रम होम। उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम मोबाइल से कर रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ तीन डॉट हमें दिखाई दे रही हैं। ये तीन डॉट हमें दिखाई दे रही है, इनके ऊपर क्लिक करके हम अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइट में कर लेंगे। डेस्कटॉप साइट में करने के बाद सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है ई श्रम होम, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है, खुल के हमारे पास आ चुकी है और यहाँ पूरा का पूरा डिटेल जो हमें दी गई है ई श्रम कार्ड की, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो हमारे पास एक ऑप्शन निकल कर सामने आ जाता है। तो यहाँ जो ई श्रम जो टोटल जो जारी किए गए हैं उनकी जानकारी मैं आपको दे दूँ, यहाँ 24,30,11,390 यहाँ ई श्रम कार्ड जारी किए गए हैं। और हमें क्योंकि ई श्रम कार्ड बनाना है, ई श्रम कार्ड बनाने के लिए हम ये जो पहला रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ हमें मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना, आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो नंबर हमें डालना पड़ेगा। यहाँ मैं डाल देता हूँ, जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल देता हूँ। और नीचे जो कैप्चा कोड दिया गया है वो हमें भरना पड़ेगा, जैसे मैं भर देता हूँ। ये कैप्चा कोड हमने भर दिया है और ये दोनों जो निशान हैं यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको आपको नहीं के ऊपर ही क्लिक करना है और OTP भेजें इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो OTP भेजें इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, OTP भरने के बाद हम
आगे की प्रक्रिया जैसे ही करते हैं तो ये हमसे आधार कार्ड संख्या मांगेगा। आधार कार्ड संख्या डालने के बाद यहाँ कैप्चा कोड हमें डालना पड़ेगा और यहाँ एक टिक मार्क करना पड़ेगा ताकि हम ई श्रम में, इसमें लिखा है मैं ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण के नियम और शर्तों से सहमत हूँ, प्रस्तुत करना पर हम क्लिक कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक और ओटीपी हमारे पास आ चुकी है, वो हम इसमें भर देंगे। और सीधा वैलिडेट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो यूअर ये इस प्रकार से ये हमें कुछ दिखाई देगा। तो ये अपने आप से आधार कार्ड की पूरी जो डिटेल है वो उठा लेगा और हम इसके ऊपर आई एग्री दैट ऑल द इंफॉर्मेशन शोन अबो आर कोरेक्ट, इसको कंटिन्यू टू एंटर द अदर डिटेल, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं नीचे कुछ इंफॉर्मेशन हमें डालनी पड़ेगी, जैसे मोबाइल नंबर इसने ऑलरेडी ले लिया है, इमरजेंसी मोबाइल नंबर इसमें मैं अपना डाल देता हूँ। और ईमेल आईडी इसमें हम डाल देते हैं जो भी है, और आगे जो मैरिटेरियल स्टेटस है जिसमें मैरिड अनमैरिड जो भी होता है ये मैरिड इसमें लिख देंगे। इसके फादर का नेम भी हम लिख देंगे। फादर नेम में जैसे हमने लिख दिया है जो भी है वो इसमें हम डाल देंगे। और सोशल कैटेगरी ओबीसी तो यहाँ हम इनकी कास्ट डाल देंगे ओबीसी, और ब्लड ग्रुप इसमें जो होता है डिफरेंटली अबलेब्ड, और नॉमनी डिटेल हमें डालनी पड़ेगी।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमने नॉमिनी की डिटेल डाल दी और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शन निकल कर सामने आ जाते हैं, ये जो आप देख सकते हैं। इसमें ये रेजिडेंशियल डिटेल हमसे मांग रहा है तो हम इसका स्टेट सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा हम सेलेक्ट कर देंगे। होम और नेगेटिव, इसमें हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे। स्टेट स्पेसिफिक आईडी, इसमें हम आधार कार्ड डाल देंगे। हम अगर शहरी क्षेत्र में हैं तो अर्बन करेंगे, रूरल में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो रूरल कर देंगे। हाउस नंबर इसमें हम जो भी है डाल देते हैं, जो इसमें लिखा है जो भी हाउस नंबर हमारा रहता है वो इसमें डाल देंगे। और लोकलिटी इसमें डाल देंगे हम इंडिया। और इसमें स्टेट डाल देंगे, स्टेट में जैसे हम हरियाणा से है तो हरियाणा स्टेट डाल देंगे। और डिस्ट्रिक्ट हम डाल देंगे डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। और सब डिस्ट्रिक्ट तहसील, जैसे हमें बुन्ना एसटी है तो ये हम डाल देंगे। विलेज इसमें आ जाएगा हमारा, विलेज हम इसमें चेक कर लेते हैं, हमारा यहाँ विलेज आ जाएगा। और यहाँ हम अपनी पिन कोड डाल देंगे, जैसे पिन कोड हम डाल देते हैं। और उसके बाद स्टेइंग करंट लोकेशन इसमें हम डालेंगे, कितने सालों से, मोर देन 25 ईयर से हम डाल देते हैं। परमानेंट एड्रेस में हाउस नंबर हम डाल देंगे जो भी है। और लोकलिटी हम डाल देंगे इसमें इंडिया। और स्टेट हम सेलेक्ट कर लेंगे इसमें हरियाणा। और डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। और सब तहसील इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। और इसमें विलेज हम सेलेक्ट कर लेंगे, विलेज जो भी हमारा बनता है इसमें पिन कोड हम डाल देंगे। और नीचे जो एक बटन आता है सेव एंड कंटिन्यू का, वो हम इसमें डाल देंगे। सेव एंड कंटिन्यू का बटन इसमें हम डाल देंगे तो आगे की प्रक्रिया हम देख लेते हैं क्या होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें हायर सेकेंडरी है। और मंथली इनकम जो है, मंथली इनकम हम डालेंगे दस, जो भी मंथली इनकम बनती है वो हम इसमें डाल देंगे। और नीचे सेव और कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, वो इसमें हम डाल देते हैं। इसमें कार्य क्या करते हैं, आप
तो इसमें यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी, उसमें से कोई भी एक हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमें पीडीएफ में निकाल के दिखाएगा। ये 5-6 पेज यहाँ निकल कर सामने आ जाते हैं, तो इसमें से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, एग्रीकल्चर और जो सब कुछ दिए गए हैं वो इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने डाल दिया है, सेक्टर नेम क्रॉप फार्म लेबर्स और लेबर एग्रीकल्चर इसमें हम डाल देते हैं, और वर्क एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ये इसमें हम डाल देंगे। ये जो एक्सपीरियंस इनका है, और सेकेंडरी क्वालिफिकेशंस हम इसमें डाल देंगे। मिल्कमैन का है सेकंड, इसमें आगे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उनको आप चाहो तो खाली भी छोड़ सकते हैं, और सेव और कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। अब कुछ बैंक की डिटेल्स हमें डालनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक सीडिंग विद आधार, इसमें हम बैंक का नाम डाल देते हैं, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डाल देते हैं, अकाउंट नंबर जो है वो हम इसमें डाल देंगे। और इसमें कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर का ऑप्शन आ गया है, तो हम इसको कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं। ट्रिपल 0 यहाँ दिया गया है, और 2 9 8 0 3 ये इसमें अकाउंट होल्डर नेम इसमें डालना पड़ेगा, किसके नाम पे ये खाता है वो हमें यहाँ पूरी डिटेल हमें देनी पड़ेगी। तो इनका नाम जो भी है हम डाल देते हैं।
यहाँ आईएफएससी कोड हमें डालना पड़ेगा, जो भी है। ये हमने आईएफएससी कोड इसमें डाल दिया है और यहाँ बैंक का नेम हम डाल देंगे, जो भी है। और यहाँ ब्रांच का नेम डाल देंगे। और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमने सारी डिटेल यहाँ भर दी है और अब इसमें एक ऑप्शन बचता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आई अंडरटेक दैट, इस प्रकार का ये ऑप्शन है, इसके ऊपर हम टिक मार्क कर देंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं कि ये श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन आता है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे।